डेट बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने बड़ा कदम उठाया है। ईरान ने 2015 में हुए परमाणु समझौते को खत्म करने का ऐलान किया है, यानी परमाणु समझौते के तहत लागू की गई पाबंदियों का पालन अब ईरान नहीं करेगा। तेहरान में ईरानी मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। ईरान की ओर से ये बड़ी प्रतिक्रिया तब आई है जब हाल ही में बगदाद में अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। ईरान के इस ऐलान के साथ ही ये तय हो गया है कि अब ईरान परमाणु बम बनाने की ओर तेजी से काम करेगा, और अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि मध्य पूर्व कितना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। हालांकि ईरान ने हमेशा से इस बात पर जोर दिया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और वो परमाणु बम नहीं बनाने जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2015 में ईरान का 6 देशों के साथ परमाणु समझौता हुआ था, और ये देश थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी। इस समझौते के मुताबिक ईरान अपनी संवेदनशील परमाणु गतिविधियों को सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को ईरान आने की अनुमति देता है। इसके बदले में ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म किया गया था। हालांकि साल 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को रद्द कर दिया था और इस समझौते से अमेरिका को बाहर कर दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौता रद्द करने के बाद कहा था कि वो ईरान से नया समझौता करना चाहते हैं जो उसके परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल के विकास पर भी रोक लगा सके। ईरान ने अमेरिका के साथ नए समझौते करने से इनकार कर दिया था।